स्टूडेंट्स वेरी गुड मॉर्निंग एंड हाउ आर यू ऑल कैसे हैं बच्चों आप सब? आप सब सबको डॉक्टर सिसोदिया और ऑनलाइन बेंचर्स फैमिली की तरफ से गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं विश यू ऑल अ वेरी हैप्पी रिपब्लिक डे तो कैसे हैं बच्चों आप सब जल्दी से लाइव आ जाओ शुरू करते हैं आज का सेशन इस बड़ी अच्छी सी मॉर्निंग में बच्चों आज सबको सब लोग अपना रिपब्लिक डे मना रहे होंगे बच्चे तो आज का एक छोटा सा सेशन जरूर होना चाहिए था कि आपसे फिर रूबरू होना बहुत ज़रूरी था तो मैं आज का सेशन बच्चे शुरू करता हूँ टुडे वी हैव द सेशन लेट्स सी आज हमारा सेशन नंबर बेटा सिक्सटी थ्री भी और आपसे मिलना बहुत ज़रूरी था तो इसलिए एक छोटा सा हमने एक बस सेशन बनाया है इस सेशन में सबसे पहले बच्चों हम आपको चाहेंगे कि एक हमारा नेशनल एंथम हो जाए और जिसमें आप लोग सिर्फ अपने कुछ सेकंड्स निकालें और बच्चे नेशनल एंथम को कैरी करें तो शुरू करता हूँ बेटा मैं आपका सेशन कम हियर। सो यू कैन सी बेटा एक पेट्रोटिज्म वाला दिन हमारे अंदर देशभक्ति की भावना फील करते हुए और सच बात है हम सबको देशभक्त होना भी चाहिए तो बस कुछ सेकेंड्स के लिए बस हमारा देश के नाम और फिर हम शुरू करते हैं बेटा सेशन जन गण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता पंजाब सिंध गुजरात मराठा प्रावीण बंगा गंगा हिंद हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जगधित तरंगा तव शुभ नामे जागे तव शुभ मागे, गाहे तव जय दा जन दन दायक जय हे भारत भाग्य विधाता जय हे तो बच्चों आप सबको एक बार फिर रिपब्लिक डे की बहुत बहुत शुभकामनाएं तो शुरू करते हैं आज आपका सेशन फटाफट सब लोग बच्चों लाइव आ जाओ लेट्स स्टार्ट और बच्चों कुछ सेकंड्स देश के नाम जिससे हमें पता चले कि सचमुच में हम लोग भारतवासी हैं और बेटे एक नेशनल एंथम कहीं ना कहीं बेटा हमारे अंदर हमारे पेट्रोटिज़म को फिल जरूर करता है वो फीलिंग्स हमारे अंदर ज़रूर लेके आता है जो हर इंसान के अंदर देश के लिए होनी चाहिए तो ये ऑनलाइन बेंचर्स फैमिली की तरफ से आप सबके लिए और बच्चों ऑनलाइन बेंचर्स फैमिली का अपना टेलीग्राम चैनल इस पे बच्चों आपको मिलती है सारी के सारी पी डी एंड अपडेट्स तो इसे आज आप आज ही ज्वाइन करें एंड बी द पार्ट ऑफ ऑनलाइन बेंचर्स फैमिली नाउसी गाइज ऑनलाइन बेंचर्स की अपनी एक एप्लीकेशन है एंड आप इसे इंस्टॉल करें सो यू विल गेट ऑल द बैचज हेअर आप सारे के सारे बैचेज़ और ऑफर्स को यहाँ देख सकते हैं देखो मैं आपको फिर कहता हूँ आज का जो सेशन बनाया गया बेटा वो कहीं ना कहीं ऐसा ही बनाया गया जहाँ हम देश की बात करते हैं कंट्री की बात करते हैं सो उससे रिलेटेड कुछ ईडियम्स को लेके आज का सेशन आपका बनाया गया है आज एडिटोरियल का सेशन बिल्कुल नहीं है तो हमने कोशिश की है कि बेटा जब देश की ही बातें हों तो क्या ना उसी से रिलेटेड कुछ मुहावरे लिए जाएँ आपको कम से कम ऐसी फीलिंग तो आए कि हाँ आज हम उसी से रिलेटेड कुछ चीज़ें पढ़ रहे हैं मतलब कुछ दिन है जैसा दिन है वैसा ही माहौल होना चाहिए कि आप उस माहौल को बदल नहीं सकते हैं तो मैं समझाता रहा हूँ आपको ये हमारी टीम है बेटा ऑनलाइन बेंचेस की टीम जो आपको डेली पढ़ाती है और अबाउट मी मेरा नाम है डॉक्टर मिशी शौदिया मैंने पीएचडी एच किया इंग्लिश लिटरेचर में 11 साल से ज़्यादा का टीचिंग एक्सपीरियंस है एग्जाम टॉटलेक्स एस एफ कैट सी ए पी एफ बेटे सब एग्ज़ाम्स मैंने पढ़ाई हैं एक लाख से ज़्यादा स्टूडेंट को मैं मिनटोड कर चुका हूँ बेटा ये हमारा वोकेबलरी एंड रीडिंग बूस्टर का सेशन चलता है डेली जिससे आप सुबह आठ बजे ज्वाइन करते हैं मेरे साथ में तो आज का हमारा स्पेशल सेशन लेट्स सी क्या है एक पॉजिटिव कोटेशन ऑफ द डे बेटा जीने का बस यही अंदाज रखो जो तुम्हें ना समझे उसे नज़रअंदाज नज़ करो बिल्कुल सही बात है कि बच्चों अगर आप सबकी नज़रों में चाहते हैं कि हम सही हो जाएं तो आप हमेशा गलत ही बने रहेंगे आपको कभी पता ही नहीं चलेगा कि आपके रियल एग्जिस्टेंस क्या है नो योर वर्थ नो योर वैल्यू एंड ट्राई टू लिव लाइक द ओपन लाइक अ बर्ड इन द ओपन स्काई बिल्कुल ऐसे जियो बेटा जैसे खुले आसमान में परिंदे जीते हैं मतलब इतना ज़्यादा भी मत सोचो कि लोग क्या कहेंगे कैसे करेंगे तो थोड़ा सा बेटा अपने सपनों को खुलने दो अपने बातों को बेटा ओपन होने दो और सच बात है कि किस किस की नज़रों में बेटा आप लोग अपने आपे को प्रूव करते जाएंगे ठीक है तो ये बेटा लिखा आ गया आज गलती से टेस्ट इसको हम हटा देते हैं ठीक आज का सेशन बेटा शुरू करते हैं वकैब का ओके सो so, बच्चों यहाँ से आज का सेशन शुरू होता है जो बच्चे आज रिपब्लिक डे पे हम सबसे नए जुड़े हैं बेटा उन सबको समझना चाहिए कि यहाँ से आज का सेशन आपका शुरू होता है और कुछ चीज़ें बेटा ऐसी जो कहीं ना कहीं किसी ना किसी देश के बारे में बातें करती हूँ देखो मैं इंग्लिश का फैकल्टी हूँ तो आप सब जानते हैं कि मैं ऐसा तो कुछ नहीं कर सकता कि आपको आ, मैं जी एस या करंट अफेयर्स बताऊँगा या फिर देश के बारे में कुछ बताऊंगा वो काम है जीएस वाले फैकल्टीज का कि वो प्रोफिशिएंटली वो सारी बातें करें लेकिन मैं कुछ ऐसा कर सकता हूं कि हाँ आपको ये लगे कि आज का जो सेशन बनाया गया था उसकी एक अपनी थीम थी तो बेटा बस उस थीम का सहारा लेते हुए आज मैंने कुछ सेशन बनाए हैं लड़सि तो आज ये बच्चे टेक फ्रेंच लीव अब आप, आप देख पा रहे हो ना बेटे इसमें फ्रेंच वर्ड का यूज हुआ है तो ऐसे ही शब्दों के साथ बेटा आज का सेशन हम आगे बढ़ाते हैं तो पहला वर्ड है टेक फ्रेंच लीव बेटा क्या मतलब हो तो टू डिपार्ट और एब्सेंट वन सेल्फ फ्रॉम सम प्लेस और इवेंट विदाउट सेरेमनी परमिशन और अनाउंसमेंट बेटा चुपचाप निकल जाना ये वाला वर्ड आपने बहुत पढ़ा होगा कि फ्रेंच लीप पे लोग चले जाते हैं बिना बताए बेटा चुपचाप ऑफिस से निकल जाते हैं जैसे ये यहाँ से खिसकने की कोशिश करिए इसी को बेटा एक और वर्ड होता है जैसे ये लोग खिसकते हैं इन लोगों को क्या कहते हैं इनको कहते हैं टी आर यू ए एन टी इनको कहते हैं ट्रोन्ट ठीक है ये लोग होते हैं बेटा ट्रोकट ये होते हैं बेटा ट्रोंग ओके okay? सो so, ट्रोंग होता है बेटा जो लोग मतलब एग्जैक्टली exactly चुपचाप निकल जाते हैं तो आपने कहा द ऑफिशियल स्टोरी इज इज दैट ही सिख बट आई थिंक ही इज जस्ट टेकिंग फ्रेंच लीव मतलब भाई ऑफिशियल स्टोरी है कि वो सिख है बट आई थिंक ही इज टेकिंग फ्रेंच लीव लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं वो चुपचाप खिसकने की कोशिश कर रहा है ऑफिस से ठीक है ऐसा बहुत होता है ना कि हमारा ऑफिस में काम करने का मन नहीं है तो बस बहाना बना लिया कि यार कहीं ना कहीं हमें प्रॉब्लम है एज द इवनिंग वो uh, ऑन वी डिसाइडेड टू टेक फ्रेंच लीव एंड मेक आर वी होम कहीं ना कहीं हम चाहते हैं कि शाम होती जा रही हम चुपचाप खिसक ले और यहां से निकल लें ठीक है सो दैट इज कॉल्ड योर फ्रेंच लीव तो ऐसे ही ऐसे ही बेटा ईडियम्स के साथ में आज का सेशन तो आप बस मुझे एक बार बताएं कि आपको सेशन कैसा लगा बेटा आपकी कंसेंट जानना बहुत जरूरी है क्योंकि एवरीथिंग इज़ फॉर यू सब कुछ आपके लिए है सब कुछ आप ही के लिए बनाया जाता है पूरी मेहनत आपके लिए अगर आपकी कंसेंट ना आए तो बेटा सेशन पढ़ाने का फ़ायदा क्या रह गया तो जल्दी से बेटा ये सेशन लाइक और शेयर हो जाए और इस सेशन को सबके पास तक पहुंचा दो कम से कम रिपब्लिक डे में सब लोगों को एक बार नेशनल एंथम सुनने का मौका तो मिल ही जाए आओ बच्चे शुरू करते हैं गो टू द डच बेटा डच पीपल होते हैं सो उनके लेके ये मुहावरा बना है गो टू डच इसका मतलब होता है टू तो डिवाइड और चेक और बिल एंड एवरी वन इज गोइंग टू पे फॉर दैट वन सो यू डोंट है तो दे कोई कोई see, uh, so मतलब तुम्हें ट्रीट करने की जरूरत नहीं चलो डच कर लेते हैं कुछ तुम देना कुछ मैं दे दूंगा ओके आई डोंट वॉन्ट यू पे फॉर माई टिकट लेट्स गो डच मतलब तुम मत पे करो मेरे टिकट के लिए लेट्स गो डच इसका मतलब बेटा ये तो फ्रेंड्स के बीच में बहुत होती है ना डच पार्टी तो आप फ्रेंड्स कहते हो ना यार तुम ही क्यों खर्च करोगे भाई तुम्हारी कौन सी कमाई थोड़ी है ठीक है तो हम सब लगते हैं एंड दैट दैट विल बी अ डच पार्टी एक डच पार्टी करते हैं तो गो टू द डच मतलब सब लोग शेयर करेंगे और एक पार्टी ऑर्गेनाइज कर लेते हैं नेक्स्ट आओ बच्चे नेक्स्ट है आपका डच करेज बेटा देखो डच करेज एक्जैक्टली काइंड ऑफ करेज जैसा कि आप पिक्चर्स पे बहुत ध्यान दो आपको शायद सब कुछ याद हो जाएगा हाँ बेटा डच करेज जैसा कि आप पिक्चर में देख पा रहे हो एक आदमी ड्रिंक कर रहा है कुछ लोग नीचे पड़े हुए हैं और सब लोग ड्रिंक कर रहे हैं दिस इज द सेम थिंग बेटा क्या होता है द फॉल्स सेंस ऑफ कॉन्फिडेंस इंडल्स बाय अल्कोहलिक कंजम्पशन हो क्या है इंड्यूस कर लेते हैं लोग बहुत सारी ड्रिंक कर लेते हैं और उसके बाद आपको पता होगा कि जो लोग ज्यादा ड्रिंक करते हैं पार्टीज में देखा भी होगा उनके अंदर एक अलग ही करेज आ जाता है ऐसा लगता है कि सारा काम यही संभालेंगे अब यहाँ पे ठीक है तो दैट इज कॉल्ड द डच करेज बेटा एक झूठा करेज जैसे इट वॉज डच करेज दैट मेड द फुटबॉल फैन अटैक द पुलिस मैन मतलब एक डच करेज था कि जो फुटबॉल के फैन थे ना उन्होंने पुलिस मैन पर अटैक कर दिया ओके जो गैट्स इंटू द इन टू अ लॉट ऑफ फाइट वैन ही ड्रिंक्स एंड सस्पेंड्स दैट डच करेज इज टू ब्लेम मतलब क्या बेचे जो गैट्स इंटू अ लॉट ऑफ फाइट वैन ही ड्रिंक्स एंड आई सस्पेक्ट मतलब मुझे लगता है कि क्या है पूरी तरह डच करेज है, है? यानी कि मुझे पता है कि जो तो लड़ ही नहीं सकता बेटा लेकिन हो सकता है कि किसी ने उसको पिला दियो और उसको हो सवासी ना रहा हो कि मैं क्या कर रहा हूं क्या कह रहा हूं सो दैट इज कॉल्ड अ काइंड ऑफ डच करेज ओके नाउ द नेक्स्ट वर्ड बेटा नेक्स्ट देखो नेक्स्ट है इट्स ऑल ग्रीक टू मी बेटा ये समझ आ रहे हैं बहुत बढ़िया ये आदमी कोशिश कर रहा है देखो कितनी बड़ी बड़ी, बड़ी आंखें हो गई अगर आप पेपर में पढ़ के नहीं जाओगे तो बेटा आपकी आंखें इतनी बड़ी बड़ी खुल जाएंगी <laughs> ऐसे होता है ना कि एग्जाम में हम बैठे हैं बेटा और पेपर हमें समझ नहीं आ रहा है तो हमारी आंखें इतनी बड़ी बड़ी खुल जाती हैं ये क्या लिखा गया है तो तब आप कहते हो क्या है ये इट्स ऑल ग्रीक टू मी यार ये तो मेरे लिए सब कुछ ग्रीक हो गया बियॉन्ड माई कॉम्प्रीहेंशन ये तो मेरी समझ से बहुत बहुत परे है सो इट इज़ कॉल्ड इट्स ऑल ग्रीक टू मी जैसे आपने कहा दिस न्यू कंप्यूटर प्रोग्राम इज ऑल ग्रीक टू मी बिल्कुल सही एंड कैन यू मेक सेंस ऑफ दीज इंस्ट्रक्शन इट्स ऑल ग्रीक टू मी क्या मतलब बना सकते हो बेटा ये सब मेरे क्या है ऑल ग्रीक टू मी ये मेरे लिए क्या है बेटा ग्रीक है मतलब मेरी समझ से बिल्कुल परे है समझ आ रहा है तो ढंग से पढ़ लो बेटा पेपर में ये वाला मुहावरा यूज मत कर लेना इट्स ऑल ग्रीक टू मी ठीक है तो अच्छे से पढ़ के जाओ बढ़िया कॉन्फिडेंस से पढ़ो बढ़िया से बेटा तैयारी करो हमारी पूरी टीम आपके साथ खड़ी है आप बिल्कुल मत घबराना बात यह है ना कि हर तरीके से बेटा सब लोग आपके साथ हैं आप बिल्कुल भी परेशान ना हो बस मेहनत करते जाओ देखो मेहनत का कोई सब्सिट्यूट नहीं है कि आप ये सोचो कि बिना मेहनत करे हम लोग आपका कुछ करवा देंगे नहीं बेटा आप बस मेहनत करो हंड्रेड परसेंट सेलेक्शन होगा बाकी चीजों में हम सब लोग आपके पूरी तरीके से साथ हैं हर जगह आपकी मदद करेंगे नेक्स्ट बात करते हैं बेटे चाइनीस चाइनीज विस्पर्स क्या होती हैं एनी इन्फॉर्मेशन और गॉसिप दैट हैज बीन स्प्रेड एंड रिटोल्ड मल्टीपल पार्टीज आपने सुना होगा स्कूल कॉलेज में होता था कि आज भी है तो होता है ना कि कुछ ऐसे मतलब स्कैंडल्स हैं कुछ ऐसे र्यूमर्स हैं या गॉसिप्स हैं जिन्हें हम बार बार सुनते रहते हैं मतलब आपको लगता होगा ये हर जगह जहाँ भी जाओ यही बातें चलती रहती हैं तो उसको हम क्या कहते हैं उसको हम कहते हैं चाइनीज विस्पर्स हैं मतलब र्यूमर है पूरी तरीके से गॉसिप है लेकिन चाइनीज है तो बेटा चाइनीज चीजें तो बहुत जल्दी से फैली जाती हैं तो चाइनीज विस्पर्श जो बहुत जल्दी से फैलती हो आपको समझ आ गया होगा बेटा इसका तो बेस्ट एग्जाम्पल है कोरोना वायरस चाइनीज का ही दिया था कितनी तेजी से फैला पूरी दुनिया में सो so बस ऐसे समझ लो चाइनीज विस्पर्स इतनी तेजी से फैलने वाली इट इज कॉमन अक्रेंस दैट सेंसेशनलिस्ट न्यूज हेडलाइंस हेडलाइन डिवॉल्व इनटू चाइनीज विस्पर्स मतलब जो सेंसेशनल न्यूज हेडलाइंस थी ना वो डिवॉल्व है किसमें चाइनीज विस्पर्स में आप देखेंगे कि वो बहुत तेजी से कोई सेंसेशनल न्यूज आ जाए मानो किसी सेलिब्रिटी ने ऐसा कह दिया कहीं चोरी होगी कहीं ये होगा तो एकदम से वो सारे में फैल जाती हैं दैट इज कॉल्ड बेटा चाइनीज विस्पर्स जल्दी से थमसप करो सेशन को लाइक और शेयर करते जाओ वेल्डन वेल्डन बहुत बढ़िया इन्वॉल्व इमर्ज विक्ट्रीज मतलब क्या है बेटा इसको हम ऐसा कर सकते हैं ना ज्यादा अच्छा होगा स्टैंड ऑफ को हम कहते हैं ये एक डेडलॉक है डेडलॉक कंडीशन सुनी होगी एक चैकमेट कंडीशन आपने सुनी होगी मतलब कोई चीज बेटा ऐसी जगह आके फंस जाती है कि अब आप उसको आगे निकाल ही नहीं सकते इसके लिए एक मुहावरा और होता है कैच ठीक है तो हमने का डेडलॉक कंडीशन है जैसे देख पा रहे हैं? कभी कभी आपने कैंडी क्रश चलाया होगा है ना कैंडी क्रश में क्या होता है कि डेडलॉक कंडीशन आ जाती है आप एक भी मूव पॉसिबल नहीं होता है तो वो सारे को खत्म करके दोबारा से शुरू कर देते हैं तो दैट इज कॉल्ड कॉल्डलॉक अब यहाँ ये बताओ ये तीन लोग हैं हर किसी के ऊपर बेटा दो गन पॉइंटेड हैं ठीक अब ये बताओ इसमें से कौन सा आदमी होगा जो बच के निकल जाएगा अगर किसी ने भी शूट करा तो बाकी सारे मरने तो कोई ना कोई भी बेटा यहाँ से आ, विक्टोरियस नहीं हो सकता दैट इज कॉल्ड बेटा डेडलॉक कंडीशन तो इसको हम पूरा मुहावरा क्या कहते हैं इसको हम कहते हैं अ मैक्सिकन स्टैंड ऑफ ठीक है अ मैक्सिकन स्टैंड ऑफ मतलब नो वन ऑन द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स वॉज विलिंग टू कॉम्प्रोमाइज द अपोजिशन ऑन द इश्यू विद एंड विद ईच ऑफ अस हैविंग वीटो पावर इट लुक लाइक वी वर हैडिंग इन टू अ मैक्सिकन डेडलॉक मतलब कोई भी आ, बेटा हटने ही नहीं चाह रहा तो मैक्सिकन स्टैंड ऑफ में फंसने वाले यानी कि कोई पीछे हटेगा ही नहीं तो आगे सक्सेस या प्रोग्रेस आएगी ही नहीं सब कुछ खत्म होने वाला है इट इज कॉल्ड मैक्सिकन स्टैंड ऑफ बेटा समझ गए तो कोई भी ऐसी सिचुएशन में फंस जाता है कि आपको पता ही नहीं चल रहा है कि क्या होना देखो एक ये मुहावरा है बेटा वैन इन रोम जब आप रोम में हो डू एज रोमन डू तो ऐसे ही करो जैसे बेटा रोमन्स करते हैं वैन यू आर इन रोम बेटा जैसा देश वैसा वेस ये बात हम सबको समझ आती है तो इसी को बेटा हिंदी में जो हम कहते हैं जैसा देश वैसा वेस इसको हम इंग्लिश में कैसे कहते हैं वैन इन रोम डू एज रोमन्स डू ऐसे करो जैसे रोमन्स करते हैं ये बताओ अब ये दोनों कैट बैठी हैं या आ गया तो या तो इसको पसंद नहीं करेंगे या इसे अलग हट जाएंगे तो इसका मतलब वन शुड डू व्हाट इज कस्टमरी और टिपिकल इन अ पर्टिकुलर प्लेस और सेटिंग मतलब बिल्कुल वैसे ही करना जैसा पर्टिकुलर प्लेस और सेटिंग के हिसाब से होता है जैसे आई डोंट लव कॉटन कैंडी बट वी आर इन कार्निवल वैन इन रोम राइट ठीक है तो इसका मतलब क्या बेटा? When in Rome, है बेटा वैन इन रोम जब हम रोम हैं तो हमें ऐसा करना होगा हम पसंद नहीं करते कैंडी लेकिन फिर भी हमें कैंडी बेटा ट्राई करनी होगी आई नो यू डोंट नॉर्मली गेट रेलिश ऑन योर हॉट डॉग बट दैट इज द थिंग दिंग एंड वैन इन रोम डू एज द रोम डू बिल्कुल सही बात आप कह सकते हो भाई आपको बर्गर पसंद नहीं है लेकिन फिर भी जब आप यहाँ हो तो यहां तो आपको खाना ही होगा वेन यू आर रोम डू एज रोमस टू बिल्कुल वैसा ही करो जैसा रोमस करते हैं ठीक है नेक्स्ट आ जाओ नेक्स्ट है बच्चे टॉक फॉर इंग्लैंड इंग्लैंड की बातें करना हाँ ये देखो मैं आपको बता देता हूं बड़े आसान से आ, बेटा इंडियंस के ऊपर तो इन्फ्लुएंस था ना बहुत ज्यादा इंग्लिश का ब्रिटिश पीपल का लंदन का ठीक है तो यहां जो भी बातें होती थी बेटा लंदन और इंग्लैंड के बारे में चलती रहती मतलब आप गाँव में भी चले जाओ किसी ने चाहे लंदन ना देखा हो इंग्लैंड ना देखा हो लेकिन फिर भी बात वहीं की करेंगे ठीक है तो आपने क्या समझ आया आपने समझ आया कि टॉक फॉर इंग्लैंड यानी कि टॉक अलाउंट बहुत ज्यादा बातें करना रही जो पता नहीं है वो क्यों बता रहे हो बहुत बातें करना ठीक है आप देख रहे हो एक आदमी के मुंह से इतनी बातें निकली कि बेटा लपेटता लपेटता परेशान हो गया दैट इज कॉल्ड बेटा टॉक फॉर इंग्लैंड क्या हुआ आई ट्राई टू डिस्कस द प्रॉब्लम विद लीजा बट आई कुडंट गैट अ वर्ड इन दैट गर्ल कैन टॉक फॉर इंग्लैंड मतलब यार मुझे एक भी बात नहीं समझ आई वो तो बातें ही इतनी करती है समझे नेक्स्ट देखो

साथ जुड़े रहो सेशन को लाइक और शेयर प्लीज कर दो जो सब लोग तक लोगों तक पहुंच जाए क्योंकि लगा होगा ट्वेंटी सिक्स ऑफ को तो हम कुछ करेंगे नहीं बट कोशिश है कि बेटा कुछ ना कुछ तो हो ही जाना चाहिए ओके दिस इज इंडियन समर बेटा इंडियन से लेके इंडियन समर क्या होता है आप पर्टिकुलरली पीसफुल सक्सेसफुल और इंजॉय टाइम एज समथिंग नियर इट्स एंड मतलब कुछ ऐसा बढ़िया सा टाइम जो इंजॉयबल होता है और नियर सिट एंड जब कुछ खत्म होने वाला होता है ठीक है तो इंडियन समर बस ऐसे समझ लो कि जब गर्मियाँ खत्म होती हैं और सर्दियाँ आती हैं तो बड़ा बढ़िया हाँ सा टाइम होता है आ पीरियड ऑफ अनरीजनेबली रिजनेबली वार्म वैदर इन अर्ली फॉल ठीक है आपने कहा आई वंडर इफ पीपल सेंस दैट दे वर इन अ पीसफुल सक्सेसफुल है बेटा आई वंडर इफ पीपल सेंस दैट दे वर इन अ इंडियन समर जस्ट बिफोर द ग्रेट डिप्रेशन मतलब वो इंडियन समर में थे ग्रेट डिप्रेशन से पहले यानी कि अभी आराम से जी लो कुछ बुरा होने वाला है आई हेट द कोल्ड वेदर सो आई एम होपिंग फॉरन इंडियन समर आई हेट द कोल्ड वेदर मुझे ठंडा वेदर जो है बिल्कुल भी पसंद नहीं है आई एम होपिंग फॉरन इंडियन समर मैं इंतजार कर रहा हूं कि कब वो वाला समय आया गया जब मैं मजे में रहता हूं ठीक है तो बेटा इंडियन समर का मतलब बस आप समझ लो बढ़िया सा टाइम होता है तो कम से कम याद आ गया जबकि इंडियन समर में जो समर वर्ल्ड है वो ऐसा लगता है बुरा है बहुत से लोग गर्मियाँ पसंद नहीं करते हैं लेकिन इंडियन समर का मतलब प्लेजेंट टाइम होगा ठीक है नेक्स्ट आओ बेटा नेक्स्ट देखो नॉट फॉर ऑल द टी इन चाइना देखें क्या है बच्चे नॉट फॉर ऑल द टी इन चाइना मतलब नॉट फॉर एनी रीजन और इंसेंटिव व्हाट्स हो कुछ भी हो जाओ किसी भी कारण से ना किसी इंसेंटिव के लिए व्हाट्स एवं कुछ भी हो मतलब किसी भी तरीके से ना तो कोई रीजन है इस बात का और ना ही कोई इंसेंटिव है कुछ भी हो जाए चाहे जैसे बट आई एबसोल्यूटली लव दिस जैकेट आई वॉन्ट सेल इट नॉट फॉर ऑल द टी इन चाइना बट आई एब्सोल्यूटली लव दिस जैकेट मुझे जैकेट बहुत पसंद है आई वॉन्ट सेल इट नॉट फॉर द ऑल द टी इन चाइना मतलब यह समझ लो कि सारी के साथ सारी जो टी है ना चाइना में वो बेचने के लिए नहीं है मतलब कुछ चीजें ऐसी नॉट फॉर रीजन कोई रीजन नहीं है इंसेंटिव तो मतलब नहीं, नहीं है बस मुझे करना ही नहीं है आप मुझसे पूछे क्यों नहीं जाओगे तो आप ये कह सकते हो कि नॉट फॉर ऑल रीजन ठीक है जैसे आपने कहा ब्रिंग कोल्स टू न्यू कैसल बेटे समझ लो इंग्लैंड में एक जगह है न्यू कैसल जहाँ बहुत ज़्यादा कोयला निकलता है जैसे इंडिया में निकलता है बेटा धनबाद में वादा याद की होगी मतलब मेरा जीएस थोड़ा पुअर है हो सकता है बेटा वहाँ झारखंड में निकलता है धनबाद है वहाँ निकलता हो तो मतलब ये समझ लो तो जहाँ इंडिया में कोयला निकलता है लाइक झारखंड धनबाद ठीक है तो अगर आप दिल्ली से एक ट्रेन कोयला भर के वहाँ लेके जाए तो आपने कैसा काम करा कैसा बिजनेस करा सक्सेसफुल या न समझ आ गया कि सर दिल्ली से कोयला धनबाद लेके जाएंगे और वहाँ तो पहले बहुत ज़्यादा कोयला है तो बात होगी अनसक्सेसफुल बिल्कुल सही बात है तो बेटा आपने कहा ब्रिंग कोल्स टू न्यू कैसल तो इंग्लैंड में न्यू कैसल में ही कोयला निकलता था तो डू समथिंग डिडेंडेंट बेकार का, का काम करना फ्री वॉलस बेकार का और अननेसेसरी ऐसा काम करना जो बेकार का होगा जैसे देखो बच्चे कोई आदमी बिल गेट्स को बीस हजार रुपए का चेक देता है तो <laughs> अब समझ पा रहे हो बेटा ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे आप न्यू कैसल में कोयला लेके जाते हो समझ गए बेटा तो अब आप आपको मुझे लगता है बिल्कुल परफेक्ट तरीके से समझ आ गया होगा कि कोई आदमी अगर बिल गेट्स को बीस हजार रुपए देता है तो वो बेटा बिल्कुल ऐसे ही है कि न्यू कैसल में कोयला ले जाने वाली बात जैसे वी डेफिनेटली डोंट नीड टू ब्रिंग एनी टॉयज वेन वी गो ओवर देयर हाउस दे हैव सो मैनी दैट ब्रिंग मोर वुड बी लाइक कैरिंग कोल्स टू न्यू कैसल समझ आ रहा है कि उनके पास तो जैसे होता है ना कि कभी कभी आप रिलेटिव्स के जाते हो मतलब किसी बच्चे के लिए गिफ्ट लेना है तो बड़ा टेंशन हो जाता है कि क्या गिफ्ट लें यार फिर ये सोचते रहते हो कि ये भी है ये भी है मतलब अपने बच्चों के लिए लेना होता है तो ये तो है उसके पास में ये भी है ऐसा भी है ये कलर भी है तो मतलब इट्स गोइंग टू बी वेरी डिफिकल्ट तो आप कह सकते हो तो ये ले जाना तो बिल्कुल ऐसे होगा कि जैसे यू आर ब्रिंग कोल्ड टू न्यू कैसल कि आप कोयला लेके जा रहे हो न्यू कैसल में मतलब किसी काम का ही नहीं है ठीक है नेक्स्ट आ जाओ नेक्स्ट है बच्चे रोम वॉज नॉट बिल्ट इन अ डे ऐसा मुहावरा जो सब लोगों ने सुना होता है है ना जो सब लोग जानते हैं और बेटा अपने आप में बहुत मोटिवेशनल मुहावरा कि यानी कि आप भी रोम हैं आप एक कंप्लीट साम्राज्य हैं लेकिन आप एक दिन में नहीं बने हैं तो आपको बेटा बनने में समय लगता है वही बात यहां लिखी गई है रोम वॉज नॉट बिल्ट इन अ डे एक दिन में तो रोम नहीं बना था मेजर अंडरटेकिंग आर नॉट कंप्लीटेड ऑल एट वंस एक साथ नहीं हुई थी इट टेक्स टाइम बेटा देख रहे हो बहुत समय लगेगा आपको बहुत ज्यादा सक्सेसफुल होने में तो कभी भी बेटा रोम वॉज नॉट बिल्ट इन अ डे एक दिन में तो बन ही नहीं सकता जैसे आपने कहा आई वाज़ टोल्ड टू हैव पेशेंस सिंस रोम वाज़ नॉट बिल्ट इन अ डे मुझसे कहा गया कि पेशेंस रखो बड़े काम एक दिन में नहीं होते हैं ओके आई हैव बिन वर्किंग ऑन माई थीसिस ऑल डे एंड ऑनली रोड थ्री पेजेस वेल रोम वॉज नॉट बिल्ट इन अ डे मतलब तीन ही पेजेस लिखे इतना काम करने के बाद तो ये तो मैं भी जानता हूं कि रोम इतनी जल्दी नहीं बनता है रोम कभी भी एक दिन में नहीं बन सकता नेक्स्ट आ जाओ बच्चे नेक्स्ट देखते हैं बेटा यंग टर्क कौन होते हैं यंग टर्क होते हैं या यंग पर्सन हु रेल्स और रिबेल्स अगेंस्ट द स्टैब्लिश सोशियो पॉलिटिकल सिस्टम बेटा ऐसे समझ जाओ कुछ लोग होते हैं ना मतलब यंग पर्सन जिन्हें आप भड़का देते हैं और वो काम करते हैं बेटा जो हमारा सोशियो पॉलिटिकल सिस्टम है ना उसके अगेंस्ट काम करते हैं जब बहुत सारे बेटा आपने सुने हैं ऐसे मिलिटेंट्स ग्रुप्स हैं जो इंडिया के सोशियो पॉलिटिकल इसके लिए काम करते हैं अगेंस्ट काम करते हैं उन्हें आप क्या कह सकते हो यंग टर्क यंग टर्क कह सकते हो जैसे द डिक्टेटरशिप वॉज फाइनली टॉपल्ड बाई एन अजरपिंग ऑफ यंग टर्क जैसे यंग टर्क आए

सब जगह आग लगी पड़ी है पूरे शहर में ठीक है लेकिन ये आदमी बड़े आराम से बैठा बैठा अपना फिडल कर रहा है म्यूजिक बजा रहा है ठीक तो क्या आंसर होगा टू टेक लिटिल टू नो प्रोडक्टिव एक्शन ड्यूरिंग अ क्राइसिस मतलब अगर कोई आदमी क्राइसिस के बीच में कुछ भी ना करे तो आप कह सकते हो कि भाई फिडलिंग वाइल रोम बंस मतलब अगर मानो गवर्नमेंट इस क्राइसिस में कुछ नहीं करती तो आप गवर्नमेंट को कह सकते थे कि फिडलिंग वाइल्ड रोम बर्स जब रोम बन रहा है जल रहा है तो तुम बच्चे मजे कर रहे हो आराम से तो क्लाइमेट चेंजेज अपॉन अस हमारे ऊपर है एंड आर लीडर्स जस्ट फिडिल वाइल रोम बर्स बिल्कुल सही बात है कि सिर्फ बातें 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 होती रह रही हैं कुछ काम नहीं हो रहा है तो हम कह सकते हैं कि हमारे लीडर्स क्या कर रहे हैं फिडल वाइल्ड रोम बर्न्स ऑर्गेनाइजिंग दीज फ्लाइज सॉरी ऑर्गेनाइजिंग दीज फाइल्स इज़ लाइक वाइल रोम बंस मतलब हम बस ऑर्गेनाइज़ करते रहेंगे लेकिन हम काम नहीं करेंगे तो ऐसे समझो ना जब रोम जल रहा था तो हम सिर्फ मजे कर रहे थे ओके नेक्स्ट है बच्चे कंट्री बम्पकिन बेटा कंट्री बमकिन क्या होता है सम वन फ्रॉम अ रूरल एरिया हु इज दर नॉट वर्सड इन सिटी लाइफ और इट्स सोशल नॉर्म्स बेटे एक ऐसा आदमी जो गांव से बिलोंग करता है लेकिन अभी वो सिटी लाइफ के हिसाब से नहीं है मतलब कभी कभी आपने देखा होगा कि कोई गांव का इंसान अगर आपको शहर में दिख जाए तो कुछ लोग कह देते हैं पता चल गया कि गांव का हो जैसे आपने कहा कजिन सीलिया इज सच आ कंट्री बमकिन लास्ट टाइम शी टुक हर शूज ऑफ़ इन द मिडिल ऑफ द रेस्टोरेंट उसने रेस्टोरेंट के बीच में ही अपने मतलब जूते उतार दिए इससे पता चलता है वो कंट्री बमकिन है कैन यू ड्रेस अ लिटिल नाइस यू लुक लाइक अ कंट्री बमकिन बिल्कुल सही बात है बेटा ऐसे कपड़े पहनोगे तो मजाक या सही लगोगे तो यू लुक लाइक अ कंट्री बमकिन थोड़ा अच्छा सा ड्रेस पहन लो नेक्स्ट वन वंस लाइन ऑफ कंट्री बेटा वंस लाइन ऑफ कंट्री क्या होता है वन प्रेफर्ड एरिया ऑफ नॉलेज और एक्सपर्टीज आपका भी बेटा एक प्रेफर्ड एरिया ऑफ नॉलेज होगा और एक्सपर्टीज होगा वो आप कहते हो वंस लाइन ऑफ कंट्री ये मतलब मेरे देश की लाइन है यहाँ से बाहर मैं नहीं जा सकता यानी कि मैं इस एक्सपर्टीज के बाद में नहीं जा सकता इसके बाहर मेरी एक्सपर्टीज़ नहीं है और बेटर या फिर मेरी नॉलेज नहीं है जैसे आई वर्कड इन आई टी फॉर अ फ्यू ईयर्स आई पेड वेल बट इट वॉज नॉट रियली माई लाइन ऑफ कंट्रीज ले मैंने काम तो किया लेकिन ये मेरी लाइन ऑफ कंट्री नहीं है आई वॉन्ट कमेंट एज़ स्पैकूलेटिंग इन पॉलिटिकल मोटिवेशंस इज़ नॉट माई लाइन ऑफ कंट्री तो पॉलिटिकल मोटिवेशन मेरी लाइन ऑफ कंट्री नहीं है तो बच्चों आपको सेशन कैसा लगा ये जरूर बताएँ दैट वॉज द लास्ट फॉर टूडे और सेशन देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सबको एक बार फिर रिपब्लिक डे की बहुत बहुत शुभकामनाएँ जय हिंद माई डियर स्टूडेंट्स मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में टिल देन टेक केयर बाय बाय एंड जय हिंदी